तो यार अगर आप लोगों को भी TDM और एरेना ट्रेनिंग में ये प्रॉब्लम आती है, अगर आप क्रॉच एंड शूट करते हैं, ठीक है, अगर आप किसी एनिमी के सामने फाइट लेते हैं क्रॉच एंड शूट करके, तो आप क्रॉच नहीं करते हैं, आप वहाँ पे स्लाइड करने लगते हैं, आपका जो प्लेयर होता है बंदा वो स्लिप ही मारने लगता है, जो कि आपको नहीं करना होता है। और अगर आप इसको रोकने की कोशिश करते हैं, अगर आप फिर क्रॉच पे क्लिक करते हैं, तो वो फिर भी क्रॉच नहीं होता है, वो फिर वहाँ पे स्लिप या स्लाइड मारने लगता है, आपको किसी TPP में जाके रुक के फिर वहाँ पे आप लोग को क्रॉच करना पड़ता है। तो आप लोग को इसको डिसेबल कैसे करना है, इसको ऑफ कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। आप लोग को अपनी सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है, ठीक है, अगर आप गेम में तब भी जा सकते हैं, अगर आप गेम में नहीं है तब भी आप जाके चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग को सेटिंग में चले जाना है और उसके बाद आप लोग को बेसिक्स पे रह के थोड़ा सा नीचे जाना है, ठीक है, थोड़ा स्लाइड डाउन करना है, वहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा स्लाइड का, ठीक है, स्लाइड पे आप लोग क्लिक करके वो एनेबल होगा, आप लोग उसको डिसेबल कर देना है, बस इतना काम करना है। अब आप कभी भी स्लाइड नहीं करिएगा TDM या एरेना ट्रेनिंग में। और दूसरी चीज़ डेथ रिप्ले, जो आप लोग जानते होंगे बहुत से लोग को अपडेट के बाद जो है ये ऑफ हो गया है, बट उन लोग को लग रहा है कि जो है पबजी वालों ने इसको डेथ रिप्ले को रिमूव कर दिया वाले ऑप्शन को, बट ऐसा नहीं है, ये आप लोग को ऑफ हो गया होगा। इसको भी आप लोग को एनेबल कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, सेटिंग में चले जाना है और बेसिक सेटिंग में आप लोग को थोड़ा सा स्लाइड डाउन करना है, स्लाइड के ऊपर आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे होगा डेथ रिप्ले, अब वो भी आप लोग को डिसेबल होगा, बस आप लोग को उसको ओपन कर देना है, फिर जब भी किसी एनिमी से फाइट लिएगा और आप लोग किल हो जाइएगा तो आप लोग वहाँ पे अपना डेथ रिप्ले देख पाएंगे। तो यार बस काफ़ी छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई हो थोड़ी सी भी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लिए। तो यार बस मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।